मतलब अपने मन को काबू करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, मन करे उस काम को नहीं करना है, आपका मन जो कहे उसको बिल्कुल नहीं मानना है, उसको नहीं सुनना है, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका मन आपको चलाने लगेगा ना तो आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। हाँ, बाहर की चीजें अगर हो रही है और वहां आपकी जरूरत है कुछ करने की तो वहां करना पड़ेगा, लेकिन जब हेलो एवरीवन, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपको किसी को फोन या कॉल करने का मन करे तो उस वक्त आपको क्या करना है, तो आपको जो मैं बताने जा रही हूँ ये अगर आप करेंगे तो उस वक्त आप सही निर्णय ले पाएंगे। पूरा वीडियो आज इसी पे है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि अगर कोई आपको इग्नोर करे या कोई आपकी वैल्यू ना करे, रिस्पेक्ट ना करे, तो उस इंसान से अलग हो जाना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है कि अगर आप उस इंसान से अलग हो गए हो, उसके बाद अगर आपको कॉल या मैसेज करने का मन करे, उस वक्त आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं वीडियो लेके आती हूँ यूट्यूब पे, उसके लिए मैं काफी रिसर्च करती हूँ, काफी एक्सपीरियंस लेती हूँ, बहुत सारे वीडियोज देखती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। ये सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए जो वीडियो बनाती हूँ उस वीडियो पे आप बिलीव कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए फटाफट मैं शुरू करती हूँ। जब आप किसी इंसान से दूर हो जाते हो, जब आप उससे मतलब इग्नोर करने लगते हो, लेकिन कभी कभी आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप वो सारी परेशानियां भूल जाते हो जिस परेशानी की वजह से आप उस व्यक्ति से अलग हुए होते हो, तो आपको उस वक्त क्या करना है, अपने मन को काबू करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आपका मन ये कहे कि हमें कॉल करना चाहिए, अगर उस वक्त आप कॉल करते हो तो आपको और ज्यादा आपका मन परेशान करेगा, फिर आपसे बात होगी, फिर और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और फिर आपकी लाइफ में फिर से वही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपका मन करे कि मुझे उस व्यक्ति से कॉल करना चाहिए, चलो एक मैसेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉल कर लूंगी और हेलो बस मतलब कि बात सुन लेंगे तो थोड़ा दिल को राहत मिल जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा। हमारा मन हमें परेशान करने लगता है तो उस वक्त सोचने की ये बात है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप उस इंसान से क्यों अलग हुए हो, क्यों दूर हुए हो, कुछ तो वजह रही होगी कि आप उससे दूर हुए हो, तो फिर अब आज आपका मन क्यों उससे बात करने का कर रहा है। तो उस पल कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी कमियों के कारण, उसकी परेशानियों के कारण या उसके दुर्व्यवहार के कारण हम उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारा मन करने लगता है कि चलो उससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उससे कॉल कर लेते हैं, शायद अब ऐसा ना हो। तो अपने मन को काबू में करना, उस वक्त आपको ये दर्द सहने की हिम्मत लानी होगी, अपने अंदर से ये ताकत लानी होगी। अगर आप एक बार ये दर्द सह जाते हैं, अगर आप उस वक्त उसे कॉल नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपके मन को उस दर्द को सहने की आदत पड़ जाएगी और आप मजबूत हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर पॉजिटिव विचार होने चाहिए। अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी आई किसी चीज को लेके कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी और कुछ भी सोच के ऐसी निगेटिव चीजें, और आप ना अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हो और फिर उस पे धंसते चले जाते हो, तो इसका अंजाम सिर्फ यही होता है कि आपका जीवन फिर से उसी तरह बर्बाद होने लगता है। वो इंसान कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कभी भी आपको सही तरीके से नहीं रखेगा। आपने जब उस व्यक्ति को एक या दो बार मौका दिया था तो क्या आपके उस वक्त वो खरा उतरा उस चीज में? नहीं उतरा, और फिर आपको उससे अलग होना पड़ा। तो ये सारी चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि हमें अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है, क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, वो आप कुछ भी कर लो तो वो सही नहीं होने वाला। और फिर बात करेंगे यहाँ पे कि जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है, वैसे तो बॉयफ्रेंड को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही अलग होता है, आप उससे दूर हो सकते हो, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हस्बैंड ऐसा हो जाए कि वो ना तो आपको सही तरीके से आपकी केयर कर रहा है, ना आपकी वैल्यू कर रहा है, ऊपर से शराब पी रहा है, नशे का आदी है, आपको मारता पीटता है, गाली गलौज देता है, आपके बच्चों की केयर नहीं करता है, आपके बच्चे भी हैं, बहुत बार ऐसा कर चुके हो, अपने मन से समझौता करके कि चलो इस बार ऐसा नहीं होगा,
और जब आप फिर से वहां जाते हो और कुछ ही दिन बीतते हैं और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। जब ऐसा कई बार होने लगे, बार बार होने लगे, तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है, आपको भी दूसरा मौका मिलेगा। एक बार आपकी शादी हुई, अगर आपकी शादी सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, तो आपको उस रिलेशन से बाहर निकलना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी इन भावनाओं को, इन फीलिंग को काबू में करना है, अपने बस में करना है कि आपके मन से कोई भी चीज निकल रही है और वो गलत है और गलत इंटेंशन, गलत दिशा की ओर जा रही है, जो चीज आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपका मन बोलता है कि नहीं करना चाहिए, तो आपके मन को आपको उस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत है। आप अपने मन पे काबू करेंगे तभी आपकी जिंदगी सही रहेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कभी कभी तो आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलता अपनी जिंदगी बनाने का। तो अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा है ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपने दिल का सुनना चाहिए, दिमाग को सुनना चाहिए। तो हम जैसे यूट्यूबरों की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं ताकि हम आपको रास्ता दिखा सके। और कई रिसर्च के बाद, कई खोज के बाद और कई चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आते हैं। ऐसे रिश्ते का, ऐसी लाइफ का कोई भी मतलब कि सुखद अंत नहीं होता है, बहुत दुखद अंत होता है, जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। हमारा मन जो बोले ऐसे रिश्तों के लिए, तो अपने मन को कंट्रोल करिए और कभी भी उस इंसान के साथ मत जाइए जो कई बार ऐसा आपके साथ कर चुका है। तो आपका जब मन करे किसी के लिए भी, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसी के लिए भी, जिस इंसान से आपका झगड़ा हो चुका है, जिस इंसान से आप दूर हो चुके हो, जिस जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, उस इंसान से कॉल या मैसेज करने के लिए आपका मन होगा, आपके अंदर फीलिंग आएगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, उस वक्त आपको अपने मन, अपने दिल, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, काबू करना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घट रहा है, तो आपको बस यही सजेशन है कि आपको कॉल या मैसेज नहीं करना है, उस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने खुद के पैरों पे खड़े होना है, अपना करियर देखना है। आपकी जिंदगी में दोबारा वो मौका जरूर आएगा। आपकी जिंदगी किसी एक इंसान की वजह से बर्बाद नहीं हो सकती। अगर आप सही निर्णय लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, तो आपकी जिंदगी आपको दोबारा मौका देगी। आप जिंदगी में आए हैं, जीने का आपको अधिकार है, किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी राय से आप ये सब कर पाते हैं, तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। आपकी जिंदगी में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होनी है। आपके अगर बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वर्क करिए और अपना दिल दिमाग अपने काम में लगाइए, फोकस करिए। जो इंसान आज तक आपकी परवाह नहीं किया, वो आज आपकी परवाह नहीं करेगा, ना तो पैसों से, ना तो आपको इज्जत दी, ना तो किसी लहजे से आपके लायक नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए रोना, गिड़गिड़ाना, पछताना या उसके लिए फीलिंग लाना, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि उस इंसान ने आपको क्या सुख दिया है, किस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, और जो कमियां आपके अंदर है और जिस कमियों की वजह से आप उस इंसान को फिर से अपनाने के लिए तैयार हो, उन कमियों पर काबू पाओ, विजय पाओ, उन कमियों को अपने अंदर से दूर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। आप जब अपने आप को मजबूत बनाओगे तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। किसी एक गलत निर्णय के कारण आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद मत करिए। ये वीडियो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़का लड़की सभी के लिए है। जो भी इंसान आपके साथ सही तरीके से नहीं रह रहा है, आपके कदम से कदम साथ मिला के नहीं चल रहा है, आपकी जीवन को नरक बना के रखा है, आपकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इंसान को बिल्कुल भी इतना वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं देना है कि आप ही उसके लिए मरे जा रहे हो, उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है, उसको ये नहीं दिखाना है कि आप ही मरे जा रहे हो, तो फिर तो और आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब आप जानबूझ के कॉल पे कॉल करोगे, मैसेज पे मैसेज करोगे, तो वो उल्टा मतलब गलती भी उसकी, और ऊपर से वो ही आपको भाव खाएगा कि आपकी ही जरूरत है। तो सोचिए कि क्या ऐसे रिश्ते में रहना आप पसंद करोगे, क्या खुशियां मिलेंगी आपको ऐसे रिश्ते में। जो भी मैंने वीडियो में बताया, अगर आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो आप जरूर फॉलो करिएगा। कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपने मन को बहकाइएगा मत, काबू में रखिएगा अपने मन को, कंट्रोल करिए,
जब आपका मन बिल्कुल बेचैन हो जाए कि नहीं कॉल किए बिना रहा नहीं जा रहा, उस वक्त आप अपने आप को अंदर से मतलब दबाने की कोशिश करिए अपने मन को कि मुझे नहीं करना है। आप उस वक्त सोचिए कि आप क्यों उससे दूर हुए हैं। तो यही एक हल है, यही एक उपाय है। जब भी आपको कॉल करने का मन करे तो आपको मतलब अपने मन को काबू करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। मन करे उस काम को नहीं करना है, आपका मन जो कहे उसको बिल्कुल नहीं मानना है, उसको नहीं सुनना है, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका मन आपको चलाने लगेगा ना तो आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। हाँ, बाहर की चीज़ें अगर हो रही हैं और वहाँ आपकी ज़रूरत है कुछ करने की तो वहाँ करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके अंदर से फीलिंग आ रही है और जिस चीज़ को आपको नहीं करना और जिस चीज़ को आप छोड़ चुके हो उसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करे, आपको परेशान करे, आपको गालियाँ दे, मारपीट करे या शराबी हो, नशे करता हो, उस वक्त किसी भी लेडीज को, या फिर लेडीज खराब हो, या मतलब कि अपने पति और अपने घर वालों को सही तरह से ख्याल नहीं करती हो, लड़ने झगड़ने वाली हो, कोई कोई लेडीज पुलिस केस कर देती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से लोगों को एक रास्ता मिलेगा। और मेरी राय जो मैंने यहाँ पे बताई है वो सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करिए इस वीडियो को देख के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, सही राह पे चलने के लिए मैं वीडियो लेके आती रहती हूँ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की एक प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की हेल्प की जा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को राम राम, कमेंट में राम राम जरूर लिखें।